Assalamualaikum dear students, I am Miss Varyal and I will teach you your science subject. This is your book for grade 6 students. The name is Science Factorial 1. As you know that it has different chapters and belongs to different branches of science. First, I will tell you about what is science. Science is the word that comes from a Latin language. जिसको साइंशा भी बोलते हैं, साइंटा भी बोलते हैं. साइंटा या साइंशा, ये लैटिन वर्ड है. इसी से ये लफ्ज़ निकला है, जिसका मकसद होता है एक्नॉलेजमेंट, टू नो, या उर्दू में किसी चीज़ के बारे में जानना, समझना, उसे कहते हैं हम साइंस. साइंस की डेफिनेशन अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो ये है कि साइंस का मतलब ये है हर चीज़ के बारे में जानना दो तरीक़ों से, ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन विधि हम करते हैं थ्रू आवर सेंसेस. हमारे पास पांच सेंसेस होती हैं, जैसे कि आपको पता है कि हम देखते हैं हमारी आईज़ के ज़रिए. तो साइट, देखना हमारी आईज़ के ज़रिए, वो एक सेंस है. दूसरा सेंस हमारी नोज़, नोज़ के ज़रिए हम स्मेल करते हैं चीज़ों को, कि स्मेल बैड ऑडोर या गुड ऑडोर जो है उसे फील करते हैं. देन उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो टेस्ट है, जो हम टंग से करते हैं. आइदर वो सोर है, आइदर वो बिटर है, स्पाइसी है, टेस्टलेस है, तो ये चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं. इसी तरीके से बाकी की जो दो सेंसेस हैं वो हैं टच, चीज़ों को महसूस करना हमारे हाथों के ज़रिए, और हेयरिंग, हमारे एयर के ज़रिए, कानों के ज़रिए हम सुनते हैं. अब वो आवाज़ पहचानना भी ऑब्जर्वेशन में ही आता है. दूसरा स्टेप जो साइंस में आता है वो है एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट बेटा हम करते हैं लैब में, तो उसी एरिया को जहाँ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है उसे कहा जाता है लैब. अच्छा, ये आपकी बुक में सेकंड टॉपिक है. फर्स्ट बेटा ये है कि साइंस, व्हाट इज साइंस. साइंस आपकी बुक में जो डेफिनेशन गिवन है उस पर हम आ जाते हैं, वो है ये. साइंस इज अबाउट ऑब्टेनिंग नॉलेज बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन दो स्टेप के ज़रिए हम साइंस को समझ पाते हैं. ऑब्जर्वेशन हमारी पांच सेंसेस के ज़रिए हम चीज़ों को महसूस करके, ऑब्जर्व करके, ध्यान से देखकर चीज़ों को पहचानते हैं. और दूसरा स्टेप होता है एक्सपेरिमेंटेशन. एक्सपेरिमेंटेशन हम प्रूफ पर्पस में यूज़ करते हैं कि वो चीज़ आया हमने जो महसूस की, आइदर वो वैसी ही है या उसमें कोई और एवोल्यूशन, कोई और अच्छी तब्दीली आई है या नहीं, उसके बारे में हम प्रूफ स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू. यूजिंग दैट नॉलेज टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन नेचुरल थिंग्स, साइंस हेल्प अस. साइंस किस चीज़ में मदद करती है? नंबर पहली चीज़ के वर्ल्ड जो हमारे इर्द गिर्द है, हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया मौजूद है उसमें नॉन लिविंग, लिविंग दोनों आ जाते हैं. उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो वो नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो फेस कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, और टू ट्रेन आवर माइंड, और अपने दिमाग को तैयार करने में साइंस हमारी मदद करती है. अब वो दिमाग लॉजिकली भी तैयार होता है एंड सिस्टमिकली भी होता है, ठीक है. फिर उसके बाद साइंस बेटा तीन ब्रांचेस, तीन मेन एरियाज में डिवाइड हुई हुई है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. बायोलॉजी बेसिकली होता है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस. हमारे इर्द गिर्द जो भी जानदार अशियाँ हैं उसके बारे में जानना, समझना, उसे कहा जाता है बायोलॉजी. केमिस्ट्री को हम यूँ कह लें कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द बायोलॉजी. इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस. जानदार अशिया जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है उसके बारे में पढ़ना बायोलॉजी कहलाता है.
केमिस्ट्री दूसरी डिवीजन है, दूसरी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें पढ़ते हैं हम मैटर और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। बेसिकली मैटर्स में स्पेशली होते हैं केमिकल्स, केमिकल्स की प्रॉपर्टी, केमिकल्स की स्ट्रक्चर, उसके बारे में पढ़ना कहलाता है केमिस्ट्री। तीसरी बात है, तीसरी जो ब्रांच है वो है फिजिक्स। फिजिक्स में हम मैटर, अब वो मैटर तमाम आ जाते हैं, लिविंग नॉन लिविंग, फिर उसके बाद उसका कनेक्शन एनर्जी के साथ और मैटर एनर्जी और उसकी इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स की ब्रांच में, जो कि साइंस की ब्रांच है। देन उसके बाद मैंने आपको ये पहले भी बता दिया था कि साइंस दो फॉर्मेट पे काम करती है, पहला एक्सपेरिमेंटेशन और दूसरा ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंटेशन बेटा कहाँ परफॉर्म की जाती है? एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं लैब में। लैब वो एरिया होता है जहाँ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, वहाँ डिफरेंट केमिकल्स हैंडल किए जाते हैं। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है आपकी बुक में वो यही है कि लेबॉरेटरी सेफ्टी रूल्स या लेबॉरेटरी सेफ्टी जो है, लैब सेफ्टी रूल्स में आपके पास बेटा आपने ये करना है कि लैब में आपने कोई लापरवाही नहीं बरतनी। उसके कुछ रूल्स, लैब सेफ्टी रूल्स बेटा मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ। पहला रूल जो है वो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑलवेज वॉश योर हैंड बिफोर लिविंग द लैब। मतलब आप लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, किसी भी केमिकल को हैंडल करें, लेकिन एंड में जब आप वापस क्लास की तरफ जाने लगें तो लैब से निकलने से पहले आपने अपने हैंड प्रॉपरली वॉश करने हैं। दूसरा रूल ये है कि आपने लैब में जाने से पहले प्रॉपर सेफ्टी क्लोथ्स पहनने हैं, उसमें आ जाते हैं क्लोथ्स में एप्रन आ जाता है और दूसरी एसेसरीज में आ जाते हैं ग्लव्स हुए हैं, आपके आई ग्लासेस हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने पहनकर लैब में परफॉर्म करना होता है ताकि कोई भी मिसहैंडलिंग हो जाए तो आपको परेशानी ना हो। तीसरा ये है कि डू नॉट टच टेस्ट स्मेल एनीथिंग इन लैब विदाउट टीचर परमिशन। टीचर की परमिशन बिना आपने किसी भी चीज़ को टच नहीं करना, टेस्ट नहीं करना, हर चीज़ मुंह में डालने के लिए सूटेबल नहीं होती। हो सकता है वो केमिकल हो और आपको नुकसान पहुंचा दे। हर केमिकल को स्मेल नहीं करना, समटाइम ऐसा होता है कि कुछ केमिकल बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं तो वो आपके दिमाग पर या फौरन से आप पर आपके ऊपर ठीक है देन अफेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद दूसरी जो बात है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में बेटा आपकी नेक्स्ट बुक की जो रीडिंग है वो ये है टेकिंग मेजरमेंट। टेकिंग मेजरमेंट वाले टॉपिक में आप ऑब्जर्वेशन वाला प्लेटफॉर्म कवर करेंगे जो कि साइंस का पहला स्टेप था ऑब्जर्वेशन। टेकिंग मेजरमेंट में आप बेटा क्या करेंगे कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन मतलब फाइव सेंसेस की हेल्प से इन तमाम एरियाज को कवर कर सकते हैं, जो कि नंबर वन पर है लेंथ, मतलब चीज़ों की लेंथ, आइदर वो लॉन्ग है शॉर्ट है, कितनी लॉन्ग है कितनी शॉर्ट है, उसके लिए आपको रूलर स्केल डिफरेंट इंच स्केल जो है वो प्रोवाइड कर किए जाते हैं। उसकी मदद से आप डिफरेंट एरियाज़ की, डिफरेंट जगहों की, डिफरेंट चीज़ों की लेंथ मालूम कर सकते हैं और उसके यूनिट होते हैं मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर में आप नाप सकते हैं, मीटर में नाप सकते हैं और सबसे बड़ा जो यूनिट होता है वो होता है किलोमीटर। देन उसके बाद दूसरा जो मेजरमेंट का ऑब्जेक्ट है वो ये है कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। कि वॉल्यूम बेसिकली डेफिनेशन ये होती है कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर ये बुक है, ये बुक जितनी एरिया कवर कर रही है ये इसकी इसका ये वाला पूरा एरिया और ये इसकी विड्थ, ये जो इसकी विड्थ है, विड्थ लेंथ हाइट, ये तीनों चीज़ें जो है मिलाकर हम वॉल्यूम मालूम करते हैं। वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर एंड लीटर। देन उसके बाद तीसरी चीज़ जो आपने मेजरमेंट में मालूम करनी होती है वो होती है मास। मास मालूम करने के लिए आपको वेट मशीन या डिफरेंट वेट ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं। मास मालूम करने का यूनिट ग्राम और किलोग्राम है। चौथी चीज़ टेम्परेचर है। टेम्परेचर का मकसद ये होता है कि चीज़ें कितनी गर्म और कितनी ठंडी हैं उसका टेम्परेचर मालूम करना
नेसेसरी होता है ताकि हमारी केमिकल की हैंडलिंग प्रॉपर वे में हो जाए। इसका यूनिट होते हैं सेंटीग्रेड में भी टेम्परेचर मालूम किया जाता है, फारेनहाइट में भी मालूम किया जाता है और केल्विन में भी मालूम किया जाता है। तो बेटा ये आपकी बुक का पहले दो टॉपिक हैं और इन दो टॉपिक में मैंने आपको जो समझाने वाली बात थी वो आपको समझा दी है। बाकी आप ये रीडिंग जो है खुद भी करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, इसका जो फेयरवेल जो मैंने आप लोगों को करवाया है कॉपी में वो ये था कि पहले मैंने आपको करवाई थी तमाम डेफिनेशंस, ये डेफिनेशंस आपके पास अवेलेबल हैं ये देखें। देन उसके बाद ये वाला आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। लैब सेफ्टी रूल्स जो हैं पीडीएफ फॉर्म में आपको शेयर कर दिए गए हैं, ये वाले रूल्स हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 में बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की डेफिनेशंस हैं और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 4 जो है उसमें आपने एक न्यूमेरिकल परफॉर्म गिवन है वो आपने अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ मैं एंड करने लगी हूँ अपना लेक्चर। हम आगे जो टॉपिक कवर करेंगे उसका लेक्चर मैं अलग से प्रिपेयर करके आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक अच्छे से रीड कीजिएगा इस टॉपिक को। अल्लाह हाफिज़।